नमस्कार, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 60th पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने कंपनी एनालिसिस के बारे में बात की थी, तो अगर आपको कंपनी एनालिसिस के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो मान लेते कि आपने जनरल कंसल्टेंसी का पूरा एनालिसिस किया, जिसके बाद आपको पता चला कि जनरल कंसल्टेंसी के जो प्रोडक्ट्स है वो काफी अच्छे हैं, उसमें अच्छे खासी ग्रोथ हो सकती है। साथ ही आपने पाया कि जनरल कंसल्टेंसी का टॉप मैनेजमेंट एथिक्स, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस और पैशन से भरा है। अपने कंपनी का वैल्यूएशन निकाला और कंपनी का वैल्यूएशन भी आपको सही लगा। कंपनी के पिछले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखकर भी आप काफी इम्प्रेस हुए, जिसके चलते आपने ये डिसीजन लिया कि आपको जनरल कंसल्टेंसी में इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करने के लिए जरूरत है सेविंग की, यानी आपको पैसे सेव करने पड़ेंगे और फिर वो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपको जो सैलरी मिलती है वो आपकी एक्टिव इनकम होती है, और सैलरी को इन्वेस्ट करके जो आपको रिटर्न मिलते हैं वो आपकी पैसिव इनकम होती है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव इनकम पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो, यानी आपकी सैलरी में से ज्यादा पैसा आपको सेव करना चाहिए और उसे फिर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो पैसा आपके लिए काम करे। तो पैसिव इनकम में पैसा आपके लिए काम करता है, यानी आप पैसों को काम पर लगाते हो। तो पहली चीज ये है कि आपको सेविंग की आदत लगानी होगी, रेगुलर सेविंग करना होगा और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कई सारे लोग एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर 5 साल 10 साल तक उसे देखते रहते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट का सही तरीका नहीं है। आपको लगातार सेविंग करनी चाहिए और अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से जो जो एसेट क्लासेस आपको कंफर्टेबल लगते हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि शुरुआत में आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं। तो जैसे कि हमें पता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है। तो डीमैट अकाउंट खुलने के बाद वो स्टॉक ब्रोकरेज फर्म आपको यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर, और फिर उस ब्रोकरेज फर्म की वेबसाइट से या उस ब्रोकरेज फर्म का ऐप डाउनलोड करके आप अपने लॉगिन डिटेल्स डाल दीजिए, और फिर जिस किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है उसका नाम टाइप करिए, कितने शेयर्स आपको खरीदने हैं वो टाइप करिए, और कुछ बाकी बेसिक डिटेल्स एंटर करके आप शेयर्स आसानी से बाय कर सकते हो। किसी मोबाइल ऐप से शेयर बाय कैसे करते हैं इसके डेमो भी हमने दे दिए हैं, जैसे कि शेयर खान, अपस्टॉक्स, इन जैसे कई सारे ब्रोकरेज फर्म के डेमो हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मिस्टर चार्ली मंगर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। वो कहते हैं कि द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड सेलिंग बट इन द वेटिंग, यानी वो कहते हैं कि पैसा खरीदने बेचने में नहीं है, पैसा है वेट करने में। यानी वो कहना चाहते हैं कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो, फिर तुरंत उन्हें बेच देते हो, फिर किसी और कंपनी का शेयर आप खरीदते हो, फिर उसे तुरंत बेच देते हो, तो इससे आपका बड़ा पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप शेयर को खरीदोगे और उसे तुरंत बेच दोगे तो कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम नहीं कर पाएगी। बहुत सारे बिगिनर्स फटाफट पैसा कमाने के चक्कर में शेयर्स को खरीदते हैं, उन्हें तुरंत बेचते हैं, ट्रेडिंग करने लगते हैं, दिन भर शेयर प्राइस चेक करते रहते हैं, शेयर प्राइस नीचे आ गई तो टेंशन में आ जाते हैं। तो आप समझ लो कि स्टॉक मार्केट इन चीजों के लिए नहीं बना है। तो आपको समझना होगा कि आपको उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको फ्यूचर ग्रोथ दिखती है, यानी उन बिजनेसेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस और बिजनेस ग्रोथ पर आप कॉन्फिडेंट हो। तो आपको उस कंपनी के शेयर्स तब तक होल्ड करने चाहिए जब तक आप उस कंपनी के बिजनेस पर कॉन्फिडेंट हो। जब आपको लगता है कि उस कंपनी की बिजनेस ग्रोथ अब थम गई है, कंपनी आगे ग्रो नहीं करेगी, आपको कॉन्फिडेंट नहीं है कंपनी के बिजनेस पे, तभी आपको कंपनी के शेयर सेल करने चाहिए। बस शेयर प्राइस ऊपर गई है तो शेयर सेल कर दो, या शेयर प्राइस नीचे चली गई है तो शेयर सेल कर दो, ऐसा करके नहीं चलता है। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तब आप उस कंपनी के भागीदार बन जाते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट को आपको एक ओनरशिप की तरह ही ट्रीट करना होगा। और फिर जब आप ऐसा करोगे और अपने इन्वेस्टमेंट को तब तक होल्ड करके रखोगे जब तक आप उस बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ पर कॉन्फिडेंट हो, तो कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करेगी, और ये कंपाउंडिंग ही है जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न कमाने में मदद करेगी। तो इन्वेस्टमेंट का ये रूल हमेशा याद रखिए कि बिजनेस में तब तक इन्वेस्ट करिए जब तक आप उस बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ पर कॉन्फिडेंट हो। मिस्टर वॉरेन बफेट ने कोका कोला में 1987 में इन्वेस्ट किया था, और अभी भी वो कोका कोला में इन्वेस्टेड है क्योंकि वो अभी भी कोका कोला के फ्यूचर ग्रोथ पर कॉन्फिडेंट है। तो इस तरह पिछले 30-35 ईयर से वो कोका कोला में इन्वेस्टेड है, जिसकी वजह से कंपाउंडिंग ने उनके फेवर में काम किया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें बहुत ज्यादा रिटर्न मिला है। जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं उनके सक्सेस में कंपाउंडिंग ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो आपको भी मेक श्योर करना होगा कि कंपाउंडिंग आपके फेवर में भी काम करे। कई बार जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो जब भी आपको लॉस होता है आप कहते हो कि मार्केट की गलती है, खराब मार्केट की वजह से आपको लॉस हुआ है, मार्केट में ये हुआ वो हुआ उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इंडिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जिनकी नेटवर्क 20,000 करोड़ के करीब है, वो कहते हैं कि मार्केट इज सुप्रीम। तो इसलिए कोई गलती आपसे होती है या अगर आपको कोई लॉस होता है तो वो गलती आपकी है, और जरूरी है कि आपको उस गलती को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप उस गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप उस गलती से कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप अच्छे इन्वेस्टर कभी नहीं बन पाओगे।
तो जब भी कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो शुरुआत में काफी स्ट्रगल होती है। ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही प्रॉफिट होना शुरू होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, चीजें पता नहीं होती, बहुत सारी गलतियां होती है जिसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस भी हो जाते हैं। तो आपको बता दूं कि शुरुआत के एक दो साल तो ऐसे ही सीखने समझने में चले जाते हैं। तो अगर आप फटाफट पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट उनके लिए है जिनके पास पेशेंस है, क्योंकि अगर आपको कंपाउंडिंग को अपने फेवर में लाना है तो उसके लिए पेशेंस की जरूरत है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते वक्त शुरुआत में बहुत सारी गलतियां होती है, तो उन गलतियों से सीखते सीखते शुरुआत के कुछ साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो आज हमने सीखा कि असली गेम बाइंग और सेलिंग में नहीं बल्कि होल्डिंग में है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उन तीन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो ज्यादातर बिगिनर्स करते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं। सो अगर आप वो तीन गलतियां नहीं करते हो तो आप अपना बहुत सारा पैसा खोने से बचा लोगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।